अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सादिया ज़ीशान। ब्यूटीफुल वीकेंड में सादिया में आप लोगों को खुश आमदीद करती हूँ फिर से अगेन एंड अगेन। और बहुत सारी बहुत ही मजे मजे की चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी कॉस्मेटिक्स की आप लोगों को जो है नॉलेज दी जाएगी। इसके अलावा क्लेजोना का कॉस्मेटिक्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ शहनाज मौजूद है क्लेजोना की टेक्नीशियन। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है क्यूने पाकिस्तान और मौजूद है। इसके अलावा बहुत प्यारे प्यारे से न्यू चेहरे आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, न्यू ब्यूटिशियंस, बहुत ही प्यारी सी ब्यूटिशियंस भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत प्यारे से हमारे पास तलशान का तो आप लोगों को पता ही होगा, और जिस तरह मैं बताती रही हूँ हमेशा से हर शो में, खूबसूरत सी प्यारी सी हमारी तलशान, इनके लिए होनी चाहिए इस भरपूर तालियां। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है तलशान? बिल्कुल ठीक है। क्या कहूँ मैं आपके लिए? आज कुछ ना कहे, छोड़ दे आज। नहीं, आज आपको छोड़ दे। नहीं यार, आज तो कुछ बोला बनता है, क्योंकि आज मुझे कुछ कलर जो है ना वो चेंज लग रहा है, और ये कलर आप लोग भी करवा सकते हैं और तलशान की एकेडमी पर जाकर भी, और इनके हेयर्स आप लोग गौर से देखें ऑडियंस और व्यूअर्स, आप इनकी पर्सनालिटी देख रही हैं कलर की वजह से कितनी, और मजीद निकल के बाहर आइए। वैसे ही माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, और हमेशा से इनका जो है स्टाइल आप लोगों को बहुत फेवरेट रहा है, इनकी ड्रेसिंग बहुत फेवरेट रही है। इसके अलावा इनके काम के हवाले से भी इनसे कुछ बातें करते हैं, और कुछ क्यूने पाकिस्तान के हवाले से भी इनसे बात करते हैं कि आज हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। जी तलशान, बहुत बहुत शुक्रिया इस इतने मोहब्बत से देखने का और इतने गौर से भी देखने का। और दूसरी बात यह है कि मैं ज़्यादा दिन तक एक कलर पे नहीं रह सकती, तो वो मेरे लिए फिर मुझे चेंज करना होता ही है। तो रात को बस ऐसी ख्याल आया कि चेंज करना चाहिए, क्यूने का स्टॉक तो आपको पता है हर वक्त है, बड़ी मैं फैन हूँ, बस कर लिया दो मिनट में, दो मिनट गया चेंज। ये देखें, हेयर आर्टिस्ट का कमाल ये होता है कि एक मिनट में सोचा और दूसरे मिनट में उन्होंने कर लिया, तो ये बड़ी अच्छी बात है, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तलशान से, आप लोगों को भी मिल रहा है, क्योंकि उनके कलर्स की आप लोगों को बहुत सारी टेक्निक्स बताई जा रही हैं, इनकी रेंज बताई गई है, बहुत कुछ इन शोज में आप लोगों को सिखाया गया, बताया गया, ब्यूटिशियंस को भी बताया गया, और आज भी बहुत मजे मजे की चीज़ें तलशान हमारे लिए लेकर आई हैं, ऑडियंस के लिए लेकर आई हैं, आप लोगों के लिए लेकर आई हैं। अच्छा तलशान, आज हमारे पास क्या है क्यूने का? आज हमारे पास, वैसे तुम्हारे पास माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स है, सब कुछ है, लेकिन आज हम सो प्योर, जो हमने उसका पहले प्रोग्राम में बताया था कि ये प्योरली ऑर्गेनिक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, और हर उन बालों के लिए जो हल्का से भी केमिकल से एलर्जिक हो जाते हैं उनके लिए सो प्योर की पूरी रेंज मौजूद है हमारे पास। और आज जो हम कर रहे हैं वो वॉल्यूमाइजिंग कर रहे हैं, वो बाल जिनके बाल थिन हो जाते हैं, चाहे ट्रीटमेंट से हो या हेल्थ इशू हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कि आप देखेंगे कि बाल जो मोटे होते हैं वो खुद ब खुद आहिस्ते आहिस्ते करके थिन की तरफ चले जाते हैं। और क्लाइंट ये कहता है कि पहले मेरे सर पे बड़ा बाल था, अब देखिए मेरे बाल गिर रहे हैं, हालांकि उनके बाल गिरे नहीं होते बल्कि वो थिन हो जाते हैं। तो हम वो ट्रीटमेंट लेकर आए हैं कि अगर हमारा क्लाइंट इसको रेगुलर बेसिस पे इसकी सिटिंग्स लेता है तो बालों को दोबारा से वॉल्यूमाइज कर देगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है। और ये तो सबों के साथ अमूमन ये मसला रहता है, केमिकल्स का काम करते हैं, करवाते रहते हैं अपने हेयर्स पे, कुछ ना कुछ अपने बालों के साथ खेलते रहते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि बाल गिर गए, बाल खत्म हो गए। तो इसकी ट्रीटमेंट्स भी मौजूद है तलशान के पास, क्यूने पाकिस्तान की। इसके अलावा हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी दो ब्यूटिशियंस भी मौजूद हैं, जिनका इंट्रो भी लेते हैं और इनसे भी मजे मजे की बातें करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए, अपना इंट्रो करवाइए थोड़ा सा। जी मेरा नाम सारा ज़ीशान है, सारा जी ब्यूटी सलोन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मीडिया मेकअप आर्टिस्ट हूँ, डिफरेंट चैनल्स पे एज ए फ्रीलांसर और सेलिब्रिटीज के साथ एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम करती हूँ उनका। अच्छा जी सारा जी, आज हमारे साथ आप मौजूद हैं, इसमें मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ कि अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ब्यूटिशियंस आ रहे हैं, आप हमें टाइम दे रहे हैं और अच्छे अच्छे लुक्स यहाँ पर बता रहे हैं। तो आज आप कौन से ब्रांड पे काम करने जा रही हैं? मैं क्लेजोना पे, मेरी मोस्ट फेवरेट ब्रांड है ये, क्योंकि इसमें पूरी रेंज मौजूद है जो किसी हाई एंड ब्रांड में मिलता है, और मैं इसको रेकमेंड भी करना चाहूंगी क्योंकि मैं मोस्टली लिक्विड्स पे काम करती हूँ, क्योंकि जल्दी हो जाता है। हाँ, और मुझे मीडिया में तो जल्दी करना है, क्योंकि रैम वॉक की मॉडल्स होती हैं, 5 मिनट में उन्हें रेडी करके रैम पे भेजना है, और डिफरेंट फॉरन है, और लिक्विड इजी कर देता है, और मैंने जैसे इसका टेक्सचर बहुत मजे का, बहुत स्मूथ है और इजी एप्लीकेशन है इसकी,
तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, और उसके साथ ही मैं आज मॉडल का काम करूंगी। अच्छा सारा जी, आज क्या लुक करने जा रही हैं आप? मैं बॉलीवुड हेलो आइज करूंगी और ब्राउंजर पे ज्यादा काम होगा, क्योंकि मुझे चिक बोन्स और जैसे मेरी मॉडल का फेस चबी है, इसको शॉर्ट करके दिखाना है ताकि इसके जो फेस के फीचर्स हैं वो प्रोमिनेंट हो, और ये रैम कैसे करेगी, इसका फेस रैम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो बताने वाली। अच्छा, आप जो है पूरा इनकी जो है पूरे फीचर्स को जो है इनहेंस भी करेंगी और इनके लुक को बिल्कुल टोटली चेंज करेंगी और हेलो आईज बनाएंगी। ये मत समझिएगा कि वो हेलो कर रही है, लेकिन एक देखते क्या एक नई चीज मुझे भी सुनने को मिली है और आप लोग भी सुन रहे होंगे। हर किसी को इतनी सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता, मोस्टली हमें पता होता है ब्राइडल मेकअप, मॉडल मेकअप, यही सब पता होता है। अच्छा, ब्राइडल मेकअप और इन सब की भी बातें हमारी चलती रहेंगी। हमारे साथ एक और ही भी बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीशियन मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी सादिया? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम खालदा है और मैं गुलशन में, मेरा पार्लर है ज़ाराज ब्यूटी सलून के नाम से, और मैं इस फील्ड में तकरीबन 15 ईयर्स से हूँ। मुख्तलिफ डिफरेंट जगह से मैंने कोर्सेस किए हैं, डिफरेंट लोगों से मेरा मतलब हेयर केमिकल्स वगैरह मैंने काफ़ी लोगों से मतलब सीखा है, और उसमें एक मेरी तरह शान भी आपकी टीचर है। वाओ, देखिए व्यूअर्स, आपको बता दें इनको 15 इयर्स हो चुके हैं और ये हमारे साथ माशाल्लाह बड़ी इनको बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, 15 इयर्स इनको हो चुके हैं और इनकी टीचर भी तलाशान है, इनसे भी सीखा है। आप लोग भी सीख सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे स्क्रीन पर आ रहा होगा। इनकी अकेडमी के हवाले से भी आज मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं जो हम तलाशान से करेंगे, जो आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। जो आप हमें घर पर देख रहे हैं, जो भी देख रहा है हमें, उनको बहुत सारी नॉलेज दी जाएगी और इनके कोर्सेज के बारे में बताया जाएगा और इनकी अकेडमी के बारे में बताया जाएगा। अच्छा खालदा जी, आप से ये बात करते हैं कि आज आप कौन सा लुक करने वाली हैं और क्लेजोना का मेकअप के बारे में भी कुछ बताएं, जिससे आप मेकअप करने वाली हैं, क्या कुछ बताइए। मैं वलीमा ब्राइट करूंगी और सॉफ्ट ग्लिटरी मेकअप करूंगी, सॉफ्ट लुक दूंगी, क्योंकि जो एज है उसकी बहुत इनोसेंट है वो, तो उसके फेस को देखते हुए बहुत सॉफ्ट सा लुक। अच्छा, ऐसा हो रहा है ना खालदा, आजकल जो है नो मेकअप का छोटी छोटी आ रही है, मेकअप का ट्रेंड है आजकल, लड़कियां चाहती हैं कि मेकअप भी हो और बहुत इनहेंस भी ना हो, मतलब हमारी एक लुक भी आए और हमें इतना मेकअप जो बहुत ज्यादा कि वो शिमरी हो और आईज ऐसी ब्लैव हो, तो लड़कियां नहीं चाहती ऐसा ना हो, सुबह मुंह धुले और पहचाने ही ना कोई। हाँ, ऐसा बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो देखें आप नोकिया का चक्कर ना। अच्छा, ये हमारी एग्जांपल हर शो में बनती है कि आईफोन के डब्बे में जो है नोकिया 3310, तो ये वाली मिसाल तो हमारी बनती है, हम थोड़ी सी कॉमेडी भी करते रहते हैं आप लोगों के साथ और बहुत मजा आने वाला है। बहुत प्यारे प्यारे लुक्स है, हमारा वलीमा लुक हुआ नहीं है किसी भी शो में, तो ये आज हमारे लिए न्यू हो जाएगा। इसके अलावा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हेलो आईज को लेकर, जो मैं देखना चाहती हूँ क्या सारा जी क्या करेंगी। और इसके अलावा तलेशान, हम चलते हैं ऑडियंस की तरफ, आज देखते हैं तलेशान की नजरें कहाँ हैं। तलेशान की नजरें, आपको पता है जो जिस किस्म का टॉपिक होता है वही नजरें उसी पे जाके रुक जाती है, जाके रुक जाती है, जाके आज रुक जैसे जाती मेरी नजरें आपके बालों पर रुकी हुई है, हो सकता है नेक्स्ट शो में मैं इनसे ये कलर करवा लूं। तो व्यूअर्स एंड ऑडियंस, देखते हैं कहां जा रहे हैं, किसके पास किस पे नजरें जो है वो आज तलेशान की है, और देखते हैं आज क्या होने जा रहा है। जी तलेशान, होता ये कि जब हम ज्यादा केमिकल यूज करते हैं या अपने हेयर केयर नहीं करते या हम फिजिकली वीक हो जाते, हमें दो तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, या तो हमारे बाल ब्लास्ट हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रीजीनेस हो गई है, बालों में रफनेस आ गई, जब कोई चीज रफ होती है तो वो बहुत ब्लो हुई भी लगती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बालों में इतनी थिनिंग आ जाती है कि बाल पड़े हुए भी होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चार लटे पड़ी हुई है, तो ये दो एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आज जिस पे मेरी नज़र है, एक बच्ची है, बड़ी प्यारी सी है, बड़े खूबसूरत उसका हेयर डिज़ाइन हुआ हुआ है, लेकिन उसके साथ जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आई है वो यही आई है कि वो थिनिंग की तरफ चली गई है। चले चलते हैं उन बच्ची की तरफ, कौन सी बच्ची है भाई? ये वाली प्यारी सी बच्ची, आ जाओ बेटे, तालियां भी चाहिए इनके लिए। प्यारी सी, छोटी सी, बबलू सी बच्ची नहीं, बबलू सी बच्ची जो आज शो में होती है, प्यारी सी, छोटी सी, बबलू सी, लेकिन आज है प्यारी सी, बड़ी सी, क्यूट सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, और बबलू सी बहुत ही प्यारी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है। देखते हैं इन्होंने अपने हेयर्स के साथ क्या क्या खेला हुआ है, क्या खेला हुआ है। इनको मैंने देख लिया था, इनके बालों में इतनी थिनिंग आ गई है कि ये आज शो में आने के लिए, इस बच्ची ने बड़ी मेहनत की है जो कि मेरी नजरें दूर से देख रही थी, इसने स्प्रेस का भी यूज किया, इसने कर्ल का भी यूज किया। इसकी वजह क्या थी? ताकि बाल ज्यादा लगे, ऐसा ही था, वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के लिए किया। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक शी विल बी द बेस्ट फॉर दिस ट्रीटमेंट, बिकॉज ये जो इसका लुक है, दिस इज नॉट हर ओरिजिनल लुक, शी क्रिएटेड दिस लुक फॉर द स्क्रीन, फॉर द प्रोग्राम, टू लुक ब्यूटिफुल,
राइट right? तो ये इतना सारा काम कराने के बाद ये बिल्कुल थिनिंग पर चली गई है. आप अपना नाम बताइए. ज़ारा. ज़ारा क्या करती हैं आप? आई एम अ ब्लॉगर एंड अ स्टूडेंट एज़ वेल. आई एम डूइंग माय ए लेवल्स राइट नाउ. एंड क्या क्या कर रही हैं आजकल बच्चियां? बच्चियां क्या क्या कर रही हैं? और इतनी फेमस बच्ची हमारे साथ मौजूद है. और ज़ारा नाम आपने बताया अपना. ज़ारा नाम बहुत ही खूबसूरत सा नाम है और बहुत ही प्यारी सी हमारे साथ बच्ची मौजूद है. अब देखते हैं तलाश शान के साथ कौन सी ट्रीटमेंट करके इनको वाव वाला लुक दे देती हैं ताकि ये अपने लाइफ जो है और अच्छे से कर सके. जी अच्छा, मैं थोड़ी एक बात और बता दूं कि देखिए जब हम ट्रीटमेंट्स पे जाते हैं तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि आपने एक दफा घुमाया और आप फौरन फील करें कि जी जो बाल इतने थे वो इतने आ गए. नहीं, इसको सिटिंग्स चाहिए होती है. रिबॉन्डिंग को सिटिंग नहीं चाहिए, कैरेटिन को सिटिंग नहीं चाहिए, ठीक है, रिलैक्सिंग को सिटिंग नहीं चाहिए, मगर प्रोटीन को सिटिंग्स चाहिए. ये डिफरेंस है चीजों का, बिकॉज हम इसके इनर और आउटर दोनों स्ट्रक्चर को रिपेयर कर रहे होते हैं. अच्छा, सिटिंग्स कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम? देखिए डिपेंड्स करता है, जैसे इसकी जो कंडीशन है इसको तो मैं ये कहूंगी कि शी हैज टू टेक अर्ली आफ्टर 10 days. 10 days एवरी आफ्टर 10 days, फिर नेक्स्ट मंथ 15 days, एंड देन थर्ड मंथ वन और टू ट्रीटमेंट, दैट्स इट. और उसके बाद आफ्टर केयर शैम्पू कंडीशनर, जो कि हम सब ने ही करना होता है, तो क्यों नहीं फिर उसी का किया जाए जिसकी इतनी मेहनत से ट्रीटमेंट से सेटिंग ली है. टोटली केयर पे है आज हमारा सेशन और प्रोटीन ट्रीटमेंट भी हो रहा है. ट्रीटमेंट के हवाले से हर चीज आपको बताई जा रही है, सेटिंग्स भी बताई जा रही है. जो भी ब्यूटिशियंस हमें देख रही हैं वो भी क्यों नहीं कि ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकती हैं अपने सलून पर, अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकती हैं. जी तरशान स्टार्ट करें. बिल्कुल स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हमारे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी सी एक मॉडल. और जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आज कुछ लुक जो है वो चेंज है. और सारा जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही प्यारी सी ब्यूटिशियन जो इनका लुक करने वाली है. हेलो आइज. तो सारा जी मेरा बड़ा जोर है हेलो आइज के ऊपर. आज मैं बहुत कुछ आपसे सीखने वाली हूँ, देखने वाली हूँ, और हमारे व्यूवर्स हमारे ऑडियंस भी बहुत कुछ आपसे सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आज ये जो लुक होने जा रहा है ये कैसे होगा और कौन से प्रोडक्ट्स यूज होंगे और इससे किस तरह का चेंज आएगा. तो आप मुझे बताएं कि इनकी स्किन जो है वो किस तरह की है. आई थिंक आज हमारे पास एक जो है वो आ चुका है स्किन का, ये जो आई थिंक पिंपल्स है, एक्नी है, एक्नी स्कार्स हैं और थोड़ा सा पिगमेंट भी फील हो रहा है. इसे हाइड करें कि कंसील करके हम लोग, और आईज मेकअप से स्टार्ट लूंगी, उसके बाद फिर मैं बेस पे आऊंगी और साथ साथ स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी. वाओ, देखा आपने, एक और चेंज, एक और एक्सपर्टी इनकी पता चल रही है कि ये जो है अमूमन ऐसा ही तकरीबन ब्यूटिशियंस करती है, पहले बेस अप्लाई करती है देन वो आई मेकअप पर आती है, ऐसा ही होता है ना. लेकिन सारा जी आज कुछ डिफरेंट करने जा रही है, वो पहले करेंगी आई लुक, उसके बाद वो करेंगे इनका बेस. तो हम इनसे बातें करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, और हमारे पास एक डिफरेंट स्किन आई है आज, एक्नी स्किन. और आज हम देखते हैं क्लेजोना का प्रोडक्ट जो है वो कौन सा एक्नी स्किन पर यूज होता है और कौन कौन सी चीजें यूज होने के बाद इनका बेस कैसे बनता है, क्या ऐसा इसको कवर कर लेता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती. ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे इस शो में और इस शो का आप भी हिस्सा बन सकते हैं और क्लेजोना का कॉस्मेटिक्स भी आप परचेज कर सकते हैं. शो पर शहनाज का कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा होगा, उनसे जरूर कॉन्टेक्ट करें और बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही अच्छी सी रेंज इनकी परचेज करें. इसके अलावा और मजीद बातें, मजीद गेम और इनके जो है मेकअप लुक्स हम देखते रहेंगे, लेकिन इससे पहले छोटा सा ब्रेक. वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं सादिया शान, आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल वीकेंड में सादिया में आप लोगों को खुशामदीद करती हूं अगेन एंड अगेन. और हमारे साथ मौजूद है सारा जी, जिनसे हो रही थी बहुत मजे की बातें और मैं चाहती हूं कि मैं इनको देखूं कि भाई आई मेकअप से स्टार्ट कैसे लेती हैं और कौन सा प्रोडक्ट यूज करने जा रही है. मुझे इनके स्टार्ट को देखने में भी बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि जितनी ब्यूटिशियंस यहां आई हैं उन्होंने पहले बेस से स्टार्ट लिया, लेकिन ये कर रही हैं आई मेकअप से स्टार्ट क्योंकि कुछ हटकर आज आई मेकअप होने वाला है. जी सारा जी, क्या करने वाली हैं आप? जी सादिया, मैं आईज पे प्राइमर करूंगी, साथ ही साथ फेस पे प्राइमर कर दूंगी ताकि जब तक मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो तो मेरा प्राइमर अपना स्किन पे वर्क कर ले. सारा, ये तो आपने बड़े मजे की बात बता दी कि प्राइमर जो है इनका आईज पर भी यूज हो सकता है. जी जी बिल्कुल. अच्छा, मुझे ये नहीं पता था पहले तक, अभी तक जितने हम सेशन कर रहे थे कि हमारा प्राइमर जो है फेस पर अप्लाई हो रहा था, लेकिन आज एक नई बात आपको बता दी कि कंसीलर के अलावा प्राइमर भी आप अपनी आईज पर यूज कर सकते हैं. बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि प्राइमर स्किन को प्रिपेयर कर रहा है मेकअप के लिए और लास्टिंग के लिए, उतने ही अच्छे आई शेडोज ग्रिप करेंगे. अच्छा, जरूरी नहीं है कंसीलर लगाएं या इस पे कंसीलर भी अप्लाई होगा? करूंगी, कंसीलर भी अप्लाई होगा, लेकिन ये कि स्किन को बिल्कुल प्रिपेयर कर देगा और अगर कोई स्किन में पोर्स ओपन है उन्हें क्लोज कर देता है. जस्ट वन ड्रॉप प्राइमर इनका. अच्छा, प्राइमर की क्वांटिटी जो है वो बहुत कम यूज की जाती है. बहुत कम, बहुत कम.
अच्छा, गर्मी हो सर्दियाँ हो कुछ भी हो, प्राइमर को यूज़ करना लाजमी है मेकअप? गर्मी के हिसाब से ऑयल कंट्रोल प्राइमर है और सर्दी के हिसाब से दूसरा प्राइमर इजीली, आई थिंक इनका ऑल स्किन टाइप है, ऑल वेदर टाइप है, इसकी ये बेस्ट क्वालिटी है क्लैजोना की। वही बात है ना, छोटा पैकेट बड़ा काम, बड़ा काम, बिल्कुल छोटा पैकेट बड़ा काम। आप हर वेदर में इनका एक प्राइमर, जेल प्राइमर है जो यूज कर सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि सारा जी जो है वो प्राइमर अप्लाई कर रही है, आईज पर भी किया है उन्होंने अप्लाई और अब फेस पर भी कर रही है जी। अच्छा सारा, अक्सर ऐसा होता है कि ब्लैक के ऊपर थोड़ा मेकअप करना मुश्किल हो जाता है, ऐसा है? ब्लैक के ऊपर ज्यादा मजा आता है, ज्यादा मजा आता है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है ब्लैक के ऊपर अगर हम ज्यादा कुछ ब्लैक के ऊपर ब्लैक कर सकते हैं। हाँ कोई इश्यू नहीं है, बस ये होता है अपना हाइलाइटर और ग्लिटर्स अगर करने हैं उस पर फोकस होना चाहिए हमें। अच्छा हाइलाइटर और ग्लिटर कैसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए? डार्कर भी चले जाएंगे, कॉपर पे भी चले जाएंगे। अच्छा ऑलरेडी इतना ब्लैक डार्क उस पर डार्क मेकअप बहुत अच्छा लगता है क्योंकि न्यूड्स हम लोग लिप्स जो है वो न्यूड करेंगे। अच्छा आईज अगर डार्क होती हैं तो लिप्स जो है वो न्यूड कर दिए जाते हैं। हाँ। अच्छा अभी ये ऑरेंज सा लगा रही है तो वो ऑरेंज कलर देख के नहीं बोलते हैं यार ऑरेंज ऑरेंज हो जाएगा, तो नहीं, ये ऑरेंज क्या है जरा बताएंगे आप? क्लैजोना का मैंने ऑरेंज लिया है, इसका नंबर है ऑर्गेन्जा, ये यूज कर रही हूँ, ये एज ए कंसीलर मेरे लिए वर्क करेगा, उसके ऊपर मैं 45 इंच की स्टिक जो है टीवी पेंट स्टिक वो अप्लाई करूंगी। आज स्टिक से होने जा रहा है सारा मेकअप? नहीं स्टिक से नहीं करूंगी, लिक्विड से करूंगी, आई बेस जस्ट मैं अपनी प्रिपेयर्ड स्टिक्स के साथ कर रही हूं। अच्छा स्टिक से भी आई मेकअप हो सकता है, देखिए आप कितनी सारी नॉलेज आप लोगों को मिल रही है और सब आपको बातें बताई जा रही हैं यहाँ पर। सारा बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों को टिप्स दे रही है, बता रही है कि घर में भी आप इस तरह से जो है अपना लुक कर सकते हैं। देखिए कभी भी मुझे नहीं आइडिया था कि बेस जो है वो आप आईज पर लगा रहे होंगे, तो सारा जी से मुझे ये भी एक नॉलेज मिल गई है। जिस तरह से अप्लाई कर रही है आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा। अच्छा सारा जी से बातें चलती रहेंगी, न्यू टेक्निक्स आपको पता चलती रहेंगी, काम चलता रहेगा अपनी जगह, लेकिन हमारे साथ मौजूद है एक प्यारी सी आवाज में एक सिंगर, बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में मौजूद है, जो बहुत प्यारा सा सॉन्ग आपको सुनाएंगे और आ रहे हैं आप लोगों की भरपूर तालियों के साथ। चाज़ेब अली हमारे साथ मौजूद है।
गाइस, बहुत ही खूबसूरत सी आवाज हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा अब मैं देखना चाह रही हूँ कि सारा जो है वो इनकी कौन सी पैलेट और कौन से आई शेड्स यूज कर रही हैं, तो ये भी देखते हैं। अच्छा जी सारा, ये कौन सी पैलेट है इनकी? मैंने क्लेजोना की फैशन फोरकास्ट 56 कलर शेडोज लिए हैं और बहुत अच्छा पिगमेंट है इनका। अच्छा सारा, मुझे जहाँ तक जो है वो आप रहने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, इनके इसमें शिमरी भी है, आई शेड्स और मैट भी है, दोनों एक ही पैलेट में अवेलेबल है। बिल्कुल, यही तो फैसिलिटेट किया है कंपनी ने कि ब्यूटिशियन को एक ही जगह पे सारी रेंज मिल रही है। अच्छा, ब्यूटिशियंस के अलावा अगर घर में भी, आजकल आपको पता है हर घर में एक ब्यूटिशियन मौजूद है, हर घर में, और वो यूट्यूबर्स और ट्यूटोरियल्स देख देख के मेकअप कर रही है फीमेल, लेकिन अच्छी बात है कि नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। और अवेयरनेस के साथ साथ मैं स्पेशली बोलूंगी कि मैं हाई एंड ब्रांड्स के साथ साथ क्लेजोना को रिकमेंड करूंगी। बिल्कुल जबरदस्त बात हो गई और बहुत ही खूबसूरत सी जो है इनकी ये पैलेट मौजूद है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें फंकी कलर से लेकर सॉफ्ट से लेकर डार्क कलर्स, इनके मॉडल मेकअप में जिस तरह के यूज़ होते हैं स्मोकी आईज वगैरह में, हर शेड इस पैलेट में मौजूद है। इस पैलेट की खासियत ये है कि घर से लेकर आप ब्यूटिशियन से लेकर हर कोई इस पैलेट को यूज़ कर सकता है और इनको ऑर्डर कर सकते हैं। शनाज को, शनाज का नंबर जो है वो हमारे इस शो में आप लोगों को शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जी, इनकी पैलेट मैंने ले लिया। अच्छा सॉरी सारा, मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा करीब से इनको क्लोजअप बता दे, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है क्योंकि आप लोगों को पता है इस तरह की चीज़ें तो हमारे शो में बनती हैं और गेम्स भी बनते हैं और बहुत सारी बातें भी अच्छी अच्छी बनती हैं। हम तरह शान से कुछ बातें करते हैं और कुछ पूछते हैं इस ट्रीटमेंट के हवाले से, थोड़ा सा जवेरिया की तरफ भी चलते हैं, जवेरिया की तरफ चलते हैं हम और उनसे पूछते हैं कि भाई क्या कर रही हैं, किस तरह अप्लाई कर रही हैं, क्या क्या हो रहा है। जी जवेरिया, तो हम इनके जो है, मैंने अभी जब इनके बालों को हाथ लगाया तो मुझे पता चला इनकी एक नहीं दो प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली। एक तो इनका थिनिंग भी हेयर है तो उसमें वॉल्यूम भी चाहिए, और दूसरा ये कि इसके बालों से मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो ऑलमोस्ट लाइक आपके बालों से मॉइस्चर अगर ख़त्म हो जाता तो इट मीन्स योर हेयर लुक ड्राई डैमेज से, बहुत रूखे से लगने लग जाते हैं। तो इसलिए जो है मिक्स एंड मैच किए, एक केयर की रेंज से मैंने एब्सोल्यूट वॉल्यूम का ट्रीटमेंट लिए और सो प्योर की रेंज में से मैंने मॉइस्चराइजिंग का लिए। मॉइस्चराइजिंग से ये होगा कि इनके बालों में मॉइस्चर प्रोवाइड हो जाएगा और एब्सोल्यूट वॉल्यूम के ट्रीटमेंट से ये होगा कि इनके बालों में वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा जी, मेरे ज़ारा की तो मज़े हो गए ज़ारा को दो ट्रीटमेंट्स मिल गई हैं और ज़ारा जो है वो एक सेटिंग तो यहाँ पर ले रही हैं हमारी तलशान और जवेरिया से, लेकिन नेक्स्ट सेटिंग के लिए जो है वो इनकी तलशान की अकेडमी पर ज़रूर जाएं और इनका 20% ऑफ भी लें और जो हमारे शो की तरफ से बनता है। जी तलशान, क्या कहना चाहेंगी ट्रीटमेंट के हवाले से, क्या कहना चाहेंगी भाई, और भी कुछ बताइए। और हाँ, एक और सवाल जो है, काफ़ी शोज़ में हमारे शोज़ हो चुकी है, हमारी अकेडमी की जो है बातें होती रही तलशान से, लेकिन आज मेरा ये सवाल है कि अगर कोई हमारी व्यूवर्स, हमारे ऑडियंस को इनकी अकेडमी में एडमिशन लेना चाहता है तो वो जो है किस तरह इनसे कॉन्टैक्ट करेगा, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, इस हवाले से बात करते हैं तलशान से। जी तलशान, मेरे अकेडमी में एडमिशन लेने का कोई इतना हॉल एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी सिर्फ शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी चाहिए होती है और एक तस्वीर चाहिए होती है। अकेडमी में मैं 4 कोर्सेज ऑफर करती हूँ, 3 कोर्सेज तो आप उसी वक्त ले सकते हैं और करना आप मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक कोर्स के लिए लाजिम है कि आप एटलीस्ट 2-3 महीने का आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, उसके बाद आप 4th कोर्स की तरफ आएँ क्योंकि वो काफ़ी एडवांस है, उससे फिर हम डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि शुरू में हम इतना डिटेल में पढ़ा चुके होते हैं कि उससे सिर्फ हम लैंग्वेज बोल रहे होते हैं और हमारा स्टूडेंट जो है उस पर काम कर रहा होता है। उसके अलावा बात यह है, जो मेरे एकेडमी की जो खूबियाँ हैं वो आज थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगी आपके रेफरेंस से, सारी ऑडियंस को, पाकिस्तान के लोग जो देख रहे हैं इस वक्त, कराची के लोग, कि मेरे एकेडमी में सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम ब्रांड्स पर काम किया जाता है। नंबर 1, मैं इस साल भी तकरीबन 8-9 और हर बार इसमें ब्रांड्स ऐड हो रही हैं। उसके अलावा बात यह है कि तरीक़ेकार ये होता है कि आपसे एक बहुत मखसूस सी रकम ली जाती है, बड़ी रीज़नेबल सी, जो ईज़िली आप अफोर्ड कर सकते हैं, और उसकी पेमेंट के बाद आपको बाहर से कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी, उसी पैसों में आपकी रजिस्ट्रेशन है, उन्हीं पैसों के अंदर आपकी ट्यूशन है, उसी में आपको नोट्स दिए जाते हैं, प्लस आप जितना मटेरियल यूज़ करते हैं किसी भी ब्रांड का, मैंने आपसे कहा मैं 8-9 ब्रांड्स पे काम कर रही हूँ, किसी भी ब्रांड का जो भी मटेरियल है वो आपको एकेडमी प्रोवाइड करती है।
अच्छा किसी भी मैंने ये बात तो कभी नहीं सुनी तलशान जो बात है, और इसलिए आपसे कहूँगी कि अगर कोई चीज़ आपको सिखाई जा रही है, कोई आप कोर्स करने जाते हैं किसी भी जगह पर, आप कहीं भी ब्यूटिशियन कोर्स करने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे फीस तो चार्ज कर ली जाती है, लेकिन प्रोडक्ट आपका अपना होता है। लेकिन तलशान देखें, आपको इतनी अच्छी ऑफर्स कर रही हैं, इतनी अच्छी डिटेल्स से आपको हर चीज़ सिखाई जाएगी, इनकी बहुत ही प्यारी सी अकेडमी है। मैं चाहती हूँ आप सब ज़रूर विजिट करें और वहाँ से ज़रूर कोर्सेज करें और एक ब्यूटिशियन बनके, एक हेयर आर्टिस्ट बनके निकलें वहाँ से। क्योंकि सादिया, इस वक्त हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो कमी है ऑल ओवर द पाकिस्तान, नॉट ओनली इन कराची, ऑल ओवर द पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हमारे यहाँ कमी है वो है हेयर एक्सपर्ट की। हेयर एक्सपर्ट नहीं है, लड़कियाँ एक्सपीरियंसड हैं इस सैलॉन पे, उस सैलॉन पे। ब्रांड्स माशाल्लाह अपनी अकेडमी रन करते हैं, ब्रांड बुला बुला के अपना टीचिंग टीच करते हैं, उनके क्लासेस देते हैं। लेकिन अगर वही बच्ची किसी ऐसे सैलॉन पे जाती है जहाँ वो ब्रांड यूज़ ही नहीं होता, तो फिर वो बच्ची कहाँ खड़ी है? वो तो सिंपली ओनर कह देगी कि तुम्हें तो काम ही नहीं आता, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं है। तो मैंने इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस एकेडमी को बनाया कि मेरी यहाँ से निकली हुई लड़कियाँ, ब्यूटिशियंस बच्चियाँ इतनी एक्सपर्ट हो कि उनके आगे कोई भी ब्रांड रख दी जाए। क्योंकि मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़ाए हैं, मैंने उनकी टेक्निक्स पढ़ाई हैं, मैंने उनकी थ्योरी बनाई है, मैंने उनकी लॉजिक्स पढ़ाती हूँ। अच्छा तलशान, अगर कोई आपकी अकेडमी में कोर्स करना चाह रहा है या सीखना चाह रहा है, तो तलशान ऐसा है कि उनकी कोई क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी कोई ऐसी कोई डिमांड? मेरे नज़दीक उनकी सिर्फ एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि उनको 1 से लेकर 12 तक की गिनती आती हो। अरे वाह, उसके अलावा मुझे कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अच्छा, इतना उनको क्वालिफाई करना मेरा काम है। अरे वाह, उनको ग्रूम करना, उनको एजुकेट करना, उनको क्वालिफाई करना, उनको ग्रूम करना, उनकी पर्सनालिटी, उनकी लैंग्वेज, उनका पूरा अटायर, प्लस उनको इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट से माला माल कर देना, ये मेरी जिम्मेदारी है, उस एकेडमी की जिम्मेदारी। अच्छा भाई, बहुत अच्छी तरह शान से हमने बात की और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई इनकी एकेडमी के हवाले से भी और इनके काम के हवाले से, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताई। अब हम थोड़ा सा खालदा की तरफ भी चलते हैं और खालदा से भी बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे सवालात करते हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सादिया ईशान। ब्यूटीफुल वीकेंड विद सादिया में बड़ी मजे की बातें हो रही हैं, गेम्स हो रहे हैं, मेकअप भी हो रहा है, ट्रीटमेंट्स भी हो रही हैं, बहुत कुछ होता है इसी शो में, और आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ ऑडियंस भी आ सकते हैं, ऑडियंस बनकर हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा खालिदा से बहुत सारे सवालात मुझे करने हैं, क्योंकि एक खूबसूरत सा बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है और जिसके बारे में हम डिटेल्स देते हैं खालिदा से, और कुछ बातें करते हैं, कुछ टिप्स भी लेते हैं गर्मियों के हवाले से, और खालिदा से भी बातें होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये अभी अपनी सारी एक्सपर्टीज़ आप लोगों से शेयर करें और बहुत सारे घरेलू टोटके आप लोगों को बताएं जिसको आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप हर वक्त सैलून का रुख करें, और अक्सर ऐसा होता है गर्मी की वजह से हम बार बार सैलून में जा भी नहीं पाते ना, ऐसा होता है, थोड़ा सा हम होते हैं कि यार घर में भी थोड़ा बहुत हम कुछ कर लें, क्योंकि कभी बच्चे हैं, बच्चों के पेपर्स वगैरह भी चल रहे होते हैं। मेरे बच्चों के तो खत्म हो गए हैं, अगले शो से मेरा मोटू भी मेरे साथ होगा, जिसको आप लोग भी मिस कर रहे होंगे, मैं बहुत मिस कर रही होती हूँ। अच्छा खालिदा से हम बात करेंगे इस लिप शेड्स के बारे में, बहुत ही प्यारे से एक लिप कलर हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है, शहनाज ने बहुत प्यारा सा जो है इनका डिस्प्ले बनाया है। बात करते हैं जी खालिदा, इन लिप शेड्स के बारे में क्या बताएंगे आप? सादिया, एक्चुअली ये क्लेजोना के जो है लिपस्टिक्स हैं सारी, और ये मैट हैं। सम टाइम ऐसा होता है क्लाइंट इरिटेट करता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ग्लॉस, अब मुझे ड्राइनेस हो रही है और ये हो रहा है, लेकिन हम ये मैट लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, उसकी मतलब इसमें बहुत डिफरेंट कलर हैं, बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत कलर्स हैं। सबसे ज़्यादा मतलब प्यारी बात मैं कहूँगी क्लेजोना की ये है कि ये वो ब्रांड है, मैंने अब तक जितनी ब्रांड्स पे काम किया है, कि जिसे हर वुमेन जो है आराम से बाय करके अप्लाई कर सकते, इजीली बाय कर सकते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस होते हैं इनके। इतनी महंगी ब्रांड्स हैं कि हर औरत नहीं बाय कर सकती। हाँ बिल्कुल, हम तो एक प्रोफेशनल है, हमें तो हर ब्रांड चाहिए। अच्छा ऐसा ही होता है ना खालिदा, हम एक लिपस्टिक लेकर आ जाते हैं, बस एक लिपस्टिक ले आते, लेकिन इस चीज की हम गारंटी देंगे कि अगर क्लेजोना लेने जाएंगे तो आप चार लेकर आएंगे। मैं शहनाज को जब ऑर्डर करती हूँ तो बस ये आती है, हम
बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। जो हमारे आस पास ही बैठे हुए होते हैं ना, सब मंगवाते हैं, सब शुरू जाते हैं कि हमें। अच्छा, मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं मुझसे कि यार आपने अक्सर, क्योंकि मैं लाइव कर रही होती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है लाइव सेशन मेरे होते रहते हैं, तो मुझसे बहुत सारे लोग लिप कलर लिप शेड्स का पूछ रहे होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही होती है। लेकिन आज एक बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने जो है इनका मैट ग्लॉस तो लगाया है, जो मैं लाजमी लगाती हूँ, लेकिन एक और ग्लॉस है जिसके बारे में शहनाज ने हमें डिटेल्स बताई थी, डायमंड ग्लॉस। जी, डायमंड है। मैट ग्लॉस के ऊपर जब डायमंड ग्लॉस लगा देते हैं लुक ही तो ऑसम लुक आ जाता है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा लुक जो है वो आज चेंज हो चुका है। अच्छा, आज कलर भी बिल्कुल डिफरेंट सा चेंज सा पहना है। आईलेस ब्रांड के मैंने ड्रेस वेयर किया है, कुर्ती इनकी वेयर की है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत सा वर्क हुआ हुआ है। आप भी अपने ओकेजन को खूबसूरत बना सकते हैं। जमजमा पर इनका आउटलेट है, जरूर विजिट करें। इनका ऑनलाइन पेज भी है, आईलेस ब्रांड करके आप इनको सर्च कर सकते हैं। जितने भी मैंने ड्रेसेस, जितनी कुर्तियां मैंने वेयर की है, सब आईलेस ब्रांड की थी और एक से बढ़कर एक कलर्स थे और बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं इनके, बहुत खूबसूरत वर्क होता है, जरूर इनको टच करें। अच्छा, खालदा से हम ये पूछेंगे कि खालदा जी ये बताइए, घर का कोई ऐसा टोटका, अच्छा आप करती हैं अमूमन घरेलू घर में? मैं बताती हूँ, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली लड़कियां 14, 13, 12 ईयर की क्लिनजिंग के लिए आती हैं, तो मेरी पहली सजेशन ये होती है, अब जैसे आपको पता है कौन सा सीजन है गर्मियों में, गर्मियां ऑयली स्किन, एक्नी स्किन, इस वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है। लड़कियां क्या करती हैं, बस जो बाजार में मिलता है वो मुंह पे लगा लेती हैं, मतलब हर भी आके ये लगा लिया, ये फेस वॉश, ये। तो सबसे पहले जो है इस वेदर के अंदर अपनी स्किन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। जितनी आपकी स्किन क्लीन रहेगी उतना आप पिंपल्स और ऑयल से बचेंगे। तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि एक रोज़ वाटर ले लीजिए, जितनी 12-11 ईयर्स की बच्चियाँ हैं, 14-15 ईयर्स की, रोज़ वाटर ज़रूर रखें, उसको फ्रिज में रखिए और उसका डेली जो है मतलब 4-5 टाइम जो है स्प्रे कीजिए फेस पे। उससे क्या होगा, आपकी ऑयल भी एब्जॉर्ब होगा, आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। पानी का इंटेक ज़्यादा कीजिए और आप है ना होम रेमेडीज़ में आप मुल्तानी मिट्टी, बहुत पुरानी वो है एक रेमेडी, लेकिन ये कि मुल्तानी मिट्टी जो है हमारी सारे ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है, और हम उसमें आप शहद भी मिला सकती हैं, 2-3 लेमन ड्रॉप डाल सकती हैं आप। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम घर में करने से अवॉइड कर रहे होते हैं कि बस बाजार से महंगा से करना चाहिए लेकिन और जल्दी से बस हम गोरे हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता। आप सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन कीजिए, और मोस्टली लोग क्लींजिंग खुद ही कर लेते हैं लेकिन टोनर एप्लीकेशन नहीं करते। टोनर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर टोनर नहीं होगा तो आपके पोर्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा ज़्यादातर स्किन के पोर्स खुले होते हैं, वो क्या कहती हैं महंगी महंगी क्लींजिंग करी, उसके बाद उनको पता ही नहीं होता कि उसके बाद टोनर एप्लीकेशन ज़रूरी है ताकि हमारे पोर्स मिनिमाइज हो जाएँ। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिस पर हम कंसंट्रेट नहीं करते, और हर चीज़ मतलब एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं होती कि ट्यूटोरियल सबसे देख के पहले एक अच्छे से अपनी ब्यूटिशियन से सजेशन ज़रूर लेनी चाहिए। वाओ, जबरदस्त। अच्छा, तो व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मज़ा आ रहा है और बहुत सारी अच्छी अच्छी मधुमे की बातें हमें पता चल रही हैं। रोज़ वाटर का यूज़ भी बता रहे हैं, इसके अलावा घर में आप अपनी स्किन को किस तरह इतना फ्रेश रख सकते हैं ये भी हमें पता चला। इसके अलावा छोटी बच्चियों के साथ बहुत ही प्रॉब्लम रहती है कि वो स्कूल वगैरह भी जाती हैं, तो जब स्कूल से आती हैं धूप में, अच्छा मुझे बताएं भाई, मेरी लड़की तो है नहीं, मेरा एक बेटा है बबलू सा, वो 8 ईयर्स है, तो क्या हम उसको भी अप्लाई कर सकते हैं रोज़ वाटर? जी बिल्कुल, रोज़ वाटर तो आप खुद भी, मैं खुद यूज़ करती हूँ, और ज़्यादातर फ्रेश वाटर से। अच्छा, ये ज़्यादा जो है सिर्फ लड़कियों बच्चियों के लिए तो नहीं है, लड़के भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चे मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। वाह, देखें इस शो में आप लोगों को एक और नॉलेज मिल गई कि लड़के भी ये सारी टिप्स यूज़ कर सकते हैं, और आजकल होते हैं, आजकल पता है बाहर रहते हैं और लड़कों में ये जरासीम बहुत आ गए किटशिट वाले, और पॉलर्स में जाते हैं वो भी फेशियल करवाते हैं, तो मैन सलून भी हो गए हैं, और बहुत लोग अब शौकीन हो गए हैं, लड़के भी बहुत शौकीन हो गए क्योंकि उन्हें टिकटॉक बनानी होती है ना, ऐसे ही होता है ना, टिकटॉक बनानी होती है। अच्छा, ये क्रेज तो बढ़ता जा रहा है, हर कोई चाहता है कि वो फिट रहे, स्मार्ट रहे, खूबसूरत रहे। अच्छा, अब हम चलते हैं कुछ हमारी ऑडियंस की तरफ भी और सारा की तरफ भी, देखते हैं उनका मेकअप जो है अभी कहाँ तक पहुँचा है, और थोड़ा सा ऑडियंस की तरफ भी जाएंगे और उनसे भी सवाल करेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा बोर हो रहे होते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं होता इन सब चीज़ों में ज़्यादा, बड़े तो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, अम्माएं भी बड़ा इंटरेस्ट ले रही होती हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो दिल के सच्चे होते हैं, उनके लिए तो गेम बनता है, तो उनसे भी हम, उनके साथ भी गेम वगैरह खेलेंगे, और उनके लिए गेम हम यहाँ पर करेंगे हमारे सरदार, सरदार वल्टर को हम यहाँ बुलाएंगे जो इनके सेटिंग करेंगे जितनी देर में हम बात करेंगे इनसे। जी सारा जो है फाउंडेशन की तरफ आऊंगी, लैशेज अप्लाई करूंगी, तब तक लैशेज सेटल्ड होंगी और फाउंडेशन स्टार्ट कर दूंगी।
अच्छा अभी आपकी लैशेस बाकी हैं और बाकी ऑलमोस्ट हो चुका है। अच्छा पूरा आपने इसी एक पायलट से किया है? जी एक ही पायलट से किया है। ये मैंने क्लाइजोना का ग्लिटर आई लाइनर लिया है क्योंकि मुझे बहुत फाइन कलर लग रहा है, मुझे ग्लिटर्स करना था। हेलो आई बेसिकली कहते यही है कि आई बॉल के ऊपर जस्ट ग्लिटर होता है, उससे ये होता है अगर आई छोटी है तो वो एकदम ब्रॉड आ जाती है, जैसे हेलो मींस एकदम से हेलो करने लगता है, हेलो वेलकम करने लगता है। तो इसलिए मुझे ग्लिटर उठाना था, मुझे ये बहुत मजेदार सी चीज लगी है। ये मैंने इनका ग्लिटर आई लाइनर लिया है, इसको जस्ट अपने हैंड पे किया और उसको टैप करके टैपिंग के साथ ही सेटल कर दिया। इजिली लग गया, बहुत ईजी एप्लीकेशन है, बहुत इजीली जो है वो लाइनर अप्लाई हो चुका है। अब मुझे चाहिए प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे जो प्ले करेंगे यहाँ पर, लेकिन सरदार भैया सेटिंग कर दें। सरदार सेटिंग कर रहे हैं और बातें हमारी चल रही हैं, ऑलमोस्ट हमारी ट्रीटमेंट भी डन हो चुकी है और बहुत मजे मजे की चीज़ें तलेशान भी लेकर आई हैं हेयर के हवाले से। और एक प्यारी सी मॉडल हमारे साथ और भी मौजूद है जिनका भी खालदा मेकअप लुक करेंगी और उनको भी टोटली चेंज करेंगी। वलीमा लुक भी हमारा बाकी है और गेम्स भी हमारे चलते रहेंगे, मजे मजे की बातें भी होती रहेंगी और बच्चे जो है हम बुलाते हैं, सारे बच्चे आ जाएं, जितने भी बच्चे हैं सब आ जाएं। आ जाओ बेटा, आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ। और जल्दी से इस गेम के बारे में बताना तो नहीं पड़ेगा, सबको पता है, सबको पता है ना ये कौन सा गेम है? हाँ सबको पता है ना। ओके अच्छे से प्यारे से बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, बबलू से बच्चे। ये बबलू सा बच्चा पहले भी आ चुका है और वॉशिंग मशीन जीत के जा चुका है और फिर से आ गया है कुछ जीतने के लिए। और देखते हैं कि कैसे प्ले करते हैं, कौन जीतता है और स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक होना चाहिए इनके लिए, म्यूजिक है। क्या सोच रहे थे भैया, कहाँ जाना था? आप जाए अपनी जगह पर। थैंक यू। ओके स्टार्ट अगेन। इनको भाई कुछ नहीं कह सकते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में कुछ और विन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सरदार भैया साइड पे करें। आप भी जा सकती हैं, स्टार्ट करते हैं अगेन। आजकल बच्चे जो है माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्यारा सा, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची ने बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट हम पर विन किया है। पहले हम करेंगे इनसे थोड़ी सी बात है। माइक जी, क्या नाम है आपका? मिश्कात। हैं मिश्कात। कौन सी कात? मिश्कात। मिश्कात, मिश्कात हमारे साथ मौजूद हैं। और क्या करती हैं बेटा आप? क्लासेस। कौन सी क्लासेस? कौन सी क्लास में? फोर्थ क्लास में। तक घबरा क्यों रही है? मम्मी ने मार के भेजे? नहीं प्यार से भेजे। सुबह उठ गई शो के लिए जल्दी जल्दी? हाँ नहीं उठी, जल्दी नहीं उठी। अच्छा बहुत प्यारी सी बच्ची मिश्कात हमारे समझ रहे। मिश्कात कुछ सुनाएंगी पोयम शोयम? अच्छा नहीं, पोयम वाली बच्ची तो नहीं लग रही हैं आप, बड़ी बच्ची हैं। कुछ गाना शाना सुनाएंगी? गाना नहीं आता। डांस करना आता है? नहीं छोड़ो, डांस भी नहीं करो, छोड़ो भाई। तुम ऐसे ही गिफ्ट ले जाओ क्योंकि तुमने विन कर लिया। तालियां होनी चाहिए मिश्कात के लिए। क्लाइजोना का गिफ्ट हैम्पर शहनाज देंगी बड़ी प्यारी सी बच्ची को। अच्छा बच्चियां भी यूज कर सकती हैं, इनके ग्लॉसेस बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, इनके नेल पेंट्स होते हैं जो आजकल बच्चियों को चाहिए होते हैं। क्यों शहनाज? हर बच्ची को चाहिए होते हैं मैचिंग नेल पेंट्स। नेल पेंट्स लगाती हो? लगाती हो? कौन से ब्रांड की लगाती हो? क्लाइजोना। ओए हाय, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। ये भी क्लाइजोना की यूजर है, नेल पेंट भी क्लाइजोना के लगाती है। बड़ी प्यारी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद थी, बहुत अच्छा सा गेम खेला। थैंक यू सो मच मिश्कात, आपका नाम भी बहुत प्यारा है। आप जगह पे जाए, यहाँ पे आए, यहाँ पे
जगह भूल गई। अच्छा गिफ्ट लेके जो है ना साइड पे हो गई है, ताकि कोई होता है ना अक्सर बच्चों का गिफ्ट लिया और साइड हो गए। लेकिन ये सब चलता रहेगा, बातें चलती रहेंगी, गेम चलते रहेंगे, मेकअप होते रहेंगे, हेयर का काम भी होता रहेगा, बहुत सारी चीजें आप लोग सीखते रहेंगे। लेकिन लेते से पहले छोटा सा ब्रेक। Welcome back viewers, मैं सादिया शाह, ब्यूटीफुल वीकेंड विद सादिया में आपको खुशामदीद करती हूँ। और मैं आपको एक बात बताती जाती हूँ कि हमारी ट्रीटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, जिसका रिजल्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं तो बेताब हो रही हूँ। लेकिन इससे पहले तलत शान ने एक बच्ची को जो है ऑडियंस में से लिया है, और बहुत ही खूबसूरत सा हेयर कट कर रही हैं आप लोगों के सामने, लाइव हेयर कट हो रहा है। इसके अलावा इससे पहले भी उन्होंने एक शो में हमारे हेयर कट किया था, वो हेयर कट आप भी करवा सकते हैं इनकी अकेडमी में जाकर। 20% ऑफ भी मैं आप लोगों को दिलवा रही हूँ। इसके अलावा तलत शान बताएंगी कुछ आज कौन सा कट करने जा रही हैं, पूछते हैं तलत शान से। जी तलत शान, सादिया आज मैं जो कट करने जा रही हूँ वो इतना इजी कट है कि वो आप लोग में से कोई भी कर सकता है, और मजे की बात ये कि ये कट घर पे भी हो सकता है। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा तो ऑडियंस बहुत ध्यान से आप लोग देखें, और व्यूअर्स आप लोग भी बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आप इजीली अपने घर में भी कर सकते हैं। इसमें कोई सेक्शनिंग नहीं है, इसमें कोई पार्टिंग नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपने स्ट्रेट अवे अपने सारे बालों को एक पोनीटेल की शक्ल में ऊपर ले जाना है, ठीक है। जितना हाई पोनीटेल आप कर सकते हैं, आप हाई पोनीटेल लेके जाएंगे, और ये उन बालों के लिए है जिनको अपने अपने बालों में, अपने सर पे लेयर्स चाहिए होते हैं और वॉल्यूम चाहिए होता है। लड़कियों के बाल तो लंबे होते हैं मगर उनमें वॉल्यूम नहीं होता, कोई डिजाइन नहीं हुआ हुआ था, ठीक है। तो दिस इज द वेरी सिंपल वन। आपने देखा है मैंने टॉप पे ले जाके बिल्कुल आप कह सकते हैं कि क्राउन एरिया पे मैंने एक वर्टिकल पोनीटेल बांधी है, राउंड नहीं किए, वर्टिकल किए, ताकि मेरे सारे लेयर्स एक जैसे पीछे से गिरे। उसके बाद मैं इनको ऊपर लेकर जाती हूँ, प्रॉब्लम आराम से मैंने इनको पकड़ा, ठीक है। नहीं बेटे भाई, दूसरी सीजर निकाल दीजिए। बड़ा खूबसूरत सा पाउच तलत शान का है भाई, ये आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इनका सीजर का पाउच कितना प्यारा सा बना हुआ है, तलत शान भी लिखा हुआ है इस पर। ऐसे पाउच बना सकते हैं आप लोग भी, बिल्कुल बना सकते हैं ना, बिल्कुल आप बना सकते हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो बना सकते हैं, और तलत शान को भी ऑर्डर दे सकते हैं। वाओ, तलत शान आपको बनवा के देंगी भैया से। अच्छा ये पूरे बाल जो है ये इंक्रीज कट पे गिरेंगे, इंक्रीज लेयर्स, यानी ये भी लेयर है, ठीक है। मैं भी सीख रही हूँ, बहुत ध्यान से देख रही हूँ, बस इसकी होल्डिंग जरा सा होता है, और इसमें बहुत ज्यादा आपको डीपली टिल्ट करना पड़ता है बालों को, उसके बाद आप साइड में इसकी नॉचिंग करते हैं, ठीक है। आपका हेयर कट तैयार है। अब मैं इसको हेयर डिजाइन भी कर सकती हूँ, अगर मेरे पास 15 मिनट मुझे मिले तो इसके बड़े खूबसूरत हेयर डिजाइन भी हो सकता है, कर लेते हैं, है ना, हम कर लेते हैं। और इस हेयर डिजाइन का ये होगा कि जहां इनकी लेयर्स गिरेंगी उस टिप पे हल्के हल्के सनराइज जैसे शोएं निकलेंगे, बस सिंपल। और उसके बाद दो कलर्स यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं इनकी पोनी नहीं खोलूंगी, इस पोनी को मैंने यहां से फिक्स कर दिया, बस अब मैं अपना मटेरियल बनाऊंगी और इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, और इनका टोटल लुक चेंज जाएगा। कट का कट भी हो गया, कलर का कलर भी हो गया, सिर्फ इस पे ब्लॉन्डर लगाएंगे, सिर्फ इस पे ब्लॉन्डर लगा रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत ही प्यारा सा कट भी हो चुका है। इसके अलावा अब इनके हेयर डिजाइन भी हो रहे हैं, ये सब चीजें आप तलत शान से करवा सकते हैं इनकी हेयर अकेडमी पर। और इसके अलावा आप देख सकते हैं राइट हैंड पर मेरी बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी एक मॉडल भी मौजूद है, और हमारे साथ खालदा मौजूद है। खालदा आप लोगों की भरपूर तालियों में आएंगी और बताएंगी आज क्या लुक कर रही है। जी खालदा, बहुत प्यारा सा कलर आपने लिया है, बहुत प्यारी सी आपकी छोटी सी बहुत क्यूट सी ब्राइड है, और कौन सा लुक कर रही हैं आप? मैं इनका सॉफ्ट ग्लिटरी मेकअप करूंगी, क्योंकि आजकल हर बच्चे की डिजायर होती है कि उसका लुक वैसे ही रहे, नो मेकअप का ट्रेंड है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा इनको मेकअप दूंगी, थोड़े इनकी कंसील करूंगी क्योंकि थोड़ा सा इनके डार्क सर्कल हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको कंसील करूंगी, और थोड़ी नोज पे इनके ऑयल बहुत है, तो इनका प्राइमर है बहुत जबरदस्त, ऑल टाइप स्किन है, आप उसे
मतलब हर ऑयली स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई स्किन पे भी. तो मैं वो पहले प्राइम करूँगी, फिर उसके बाद मैं देन आईज से काम शुरू करूँगी. ज़बरदस्त, एक वलीमा लुक करने जा रही हैं खालदा, और बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट सा लुक करने जा रही हैं, क्योंकि आजकल जो ब्राइड्स होती हैं बहुत छोटी छोटी सी ब्राइड्स होती हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा मेकओवर कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा फिर जब वॉश होता है फेस तो बहुत अजीब सा लगता है, बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं वो अपने एज से. तो ये खालदा ने बहुत ही प्यारी सी बात करी कि जब छोटी बच्चियाँ होती हैं तो उनको बहुत सॉफ्ट सा लुक दिया जाता है, कि नेचुरल लुक होता है, बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं किया जाता, लेकिन उनका फिर भी जो है वो लुक चेंज हो जाता है क्योंकि मेकअप कहते ही इसी को है. अच्छा शहनाज, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में भी बातचीत हो जाए, कुछ बताएं आप आज अपने प्रोडक्ट के बारे में. लेकिन सबसे पहले आप देख रहे होंगे शहनाज और मैं हमेशा से कहीं ना कहीं से टच हो जाते हैं, तो आज भी शहनाज ने जो है वो देखे पिंक पिंक सी मेरे साथ मैचिंग की है, जो हमेशा से होती है बहुत प्यारी सी. शहनाज बहुत अच्छी सी टैगिंग्स आपको देंगी, और इनके नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इनका जितनी दफ़ा भी दिमाग खाना चाहे खा सकते हैं, क्या कहती है, हर चीज़ आपको बताएंगी स्किन टोन के हवाले से, कौन से इनके प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं घर बैठे बैठे, और इनको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं. जी शहनाज, आज क्या बता रही हैं आप? ऑलमोस्ट जो है वो हमारी तमाम प्रोडक्ट का जो है आपको इंट्रोडक्शन मिल चुका है, लेकिन ये कि मैं ये चाहती हूँ कि आप डेली बताने का मकसद है कि जाहिर है न्यू से न्यू व्यूवर्स देख रहे होते हैं तो उनको भी जो है नॉलेज मिलनी चाहिए बेसिस के हवाले से, और जो है किट्स के हवाले से, लिप्स के लिए, यानी तमाम डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ एक दफ़ा फिर, ताकि जिनको नहीं पता वो भी जो है उसकी नॉलेज गेन कर लें, उनके यूजर बन जाएं और मुझसे कांटेक्ट करें. जी बिल्कुल जी शहनाज, आज कहाँ से स्टार्ट ले रही मैं पता क्या चाह रही हूँ, आज स्टार्ट लेते हैं वो तीन चीजों से जो हर किसी के पास होनी चाहिए, घर में भी होनी चाहिए, ब्यूटिशियंस के पास भी होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम घर में होता है वुमेन्स को कि वो रेडी होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो पार्लर का ही रुख करें, इनके पास क्लेजोना की ये तीन चीजें जरूर लाजमी होनी चाहिए जिससे ये अपना मेकओवर इजीली और फटाफट और बहुत बेस्ट सा बेस बना सकती है. वो तीन चीजें आप बताएं कौन सी इनके पास घर में होनी चाहिए. देखिए ब्यूटिशियंस के लिए तो ये हमारी तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोफेशनल साइड पे है, लेकिन जब बात आती है घरेलू ख़वातीन की तो उसमें जो है बीबी क्रीम हमारी बहुत बेस्ट है. बीबी क्रीम में चार शेड हैं, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो बीबी क्रीम ले सकते हैं. इसमें आप प्राइमर, लिक्विड फाउंडेशन, सन ब्लॉक, तमाम चीज़ों को ये हमारी बीबी क्रीम जो है वो कवर करती है, इसलिए आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी पड़े. आप बीबी क्रीम लीजिए, और उसके अलावा जो है हमारा टू वे केक जो है वो ऑयल नहीं आने देता, स्वेटिंग नहीं होने देता, आपके बेस को लॉक कर देता है. तो ये दो चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए. उसके बाद जो है लिप पे बात आ जाती है, तो लिप में आपकी चॉइस पे है हमारे मैट ग्लॉसेस. हाँ जी, सादिये की चॉइस तो मैट ग्लॉसेस है, सादिये की चॉइस तो मैट ग्लॉसेस जो बहुत ही खूबसूरत पैकिंग के साथ हमारे पास मौजूद है, जो शहनाज आप लोगों को दिखाएंगी. अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों के पास डायमंड ग्लॉसेस भी होने चाहिए जो आप मैट के साथ मिक्स करके इसको अप्लाई कर सकते हैं. ये मैट ग्लॉसेस है हमारे, इसमें 46 शेड है जो अवेलेबल है, आप अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करके जो भी शेड उठाना चाहें, लॉन्ग लास्ट हैं, जितना टाइम भी रखना चाहें, जब तक आप खुद क्लिंजिंग करके अपने लिप से नहीं उतारेंगे ये हमारे मैट ग्लॉसेस. कुछ भी खा लें आप, बिरयानी खा लें, समोसे खा लें, कुछ भी खा लें. अच्छा अमूमन शहनाज लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, इसका हल तो हमारे पास मौजूद है मैट ग्लॉसेस इनके के जो है ये कहीं पर भी नहीं जाते. अच्छा शहनाज आज एक यही बात भी बता दें कि जिनका फाउंडेशन लगाने के बाद थोड़ी देर बाद जो है वो फेस ग्रे हो जाता है, ब्लैक टोन की तरफ चला जाता है, तो डार्क डार्क सा होने लगता है, तो उन लोगों को कौन सा फाउंडेशन किस तरह सेलेक्ट करना चाहिए ताकि उनका जो है बेस प्रॉपर बन सके और फिर वो ग्रे की तरफ ना जाए. हाँ जी, सिलेक्शन ही गलत होता है जिसकी वजह से जो है डार्कर पे चला जाता है. तो आप अपनी स्किन टोन से वन टोन लाइटर लिया करें. अगर आपको फेयर होने का शौक है, अगर डल स्किन है या ब्रिटिश स्किन है, तो आप अपनी जो आपकी स्किन टोन है उससे वन टोन लाइटर लें, बस इससे ज़्यादा नहीं. हमेशा होता क्या है कि टू टोन या थ्री टोन लाइटर ले लेते हैं, उससे जो है वो डार्कर पे चला गोरा होने के चक्कर में, गोरा होने के चक्कर में और काले हो जाते हैं, और काले हो जाते हैं. तो बेस्ट सेलेक्ट करें, और बहुत सारी चीजें आप शहनाज से पूछ सकते हैं. शहनाज का नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा जो आप लोगों को घर बैठे बैठे बता सकती हैं कि कौन से नंबर आप लोगों के लिए बेस्ट हैं. आप इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं. इसके अलावा क्लेजोना ऑल ओवर पाकिस्तान में शहनाज डिलीवर कर सकती हैं, क्योंकि मेरे पास भी कॉल आई थी, शहनाज के पास भी कॉल आई थी, लाहौर, इस्लामाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल आ रही थी. तो शहनाज उनके लिए भी आज एक मैसेज दे दें कि हम उन्हें TCS के थ्रू भी बिल्कुल ऑनलाइन जो है वो आप हमारी वेबसाइट चल रही है स्क्रीन पे, ऑनलाइन आप ऑर्डर करें, वो
BCS के जरिए जो है वो आपके घर तक पहुंचेगा। अच्छा, अपना कंप्लीट एड्रेस दे दीजिए। जी ब्यूटिशियंस के लिए भी है कि ऑनलाइन अगर वो ऑर्डर करती है, ऑल रेंज। वैसे तो ऑल पाकिस्तान में हमारी जो है ये तमाम प्रोडक्ट मौजूद है, लेकिन इन केस अगर कोई ऐसे एरियाज हैं जहां पर नहीं पहुंच पा रही तो आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर करें, हम आपके घर तक पहुंचाएंगे, अपने आपके सैलून तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। अच्छा ब्यूटिशियंस को मैं एक मैसेज देना चाहूंगी क्लेजोना की तरफ से भी और क्यूने पाकिस्तान की तरफ से भी, जिस तरह हम इनके प्रोडक्ट्स पे काम करते रहे, जितना मुझे इन प्रोडक्ट्स के बारे में इल्म हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी ये शोज देखें और लाइक करें, और इनकी वीडियोज में जो जो बातें इन्होंने बताई हैं, जो जो टिप्स बताई हैं, घर पर जरूर यूज करें, और ब्यूटिशियंस अपने क्यूने को अपने सैलून पर रखें, क्यूने पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को, क्लेजोना की प्रोडक्ट्स को। क्यूने के लिए आप, क्यूने का नंबर भी आ रहा होगा, क्यूने की प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए आप क्यूने से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा क्लेजोना की परचेजिंग के लिए आप शहनाज से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शहनाज। अच्छा जी, हम चलते हैं थोड़ा सा इनकी तरफ, खालदा की तरफ देखते हैं। ये बड़ी एक किट का यूज कर रही है भाई शहनाज, ये आपकी किट जो है 2-in-1 वाली, थोड़ा सा इसका भी बता दें। ये भी बहुत खूबसूरत सी इनकी पैलेट है। ये हमारी टेराकोटा शेड्स हैं, इनको आईज पे, चिक्स पे आप यूज कर सकते हैं, हाइलाइटिंग के लिए भी, आई शेडोज के तौर पे भी, तो आपका ये कंप्लीट जो है मेकअप कर देंगी एक इस किट से। अच्छा, ब्लश ऑन भी हो गया, हाइलाइटर भी हो गया, और आई शेड भी हो गया, 3-in-1 हो गई, 2-in-1 नहीं, 3-in-1 किट हो गई है, और ये बहुत ही खूबसूरत सी पैलेट है और बहुत रिजनेबल प्राइस में है। इनके रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है, जो डेली मेकअप्स हो रहे हैं शोज में, जो जितने भी मेकअप, जितने भी लुक्स हो रहे हैं, ऑल इन्हीं की प्रोडक्ट से हो रहे हैं, और ब्यूटिशियंस भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही है। तो जरूर इनके प्रोडक्ट को लाइक करें, शेयर करें, और दूसरे लोगों को भी बताएं, जिस तरह मैं बताती हूँ कि सादिया जो यूज करती हैं ग्लासेस, वो क्लेजोना की यूज करती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं, लाइफ पर भी होते हैं, नॉर्मल रूटीन में भी लगाकर मैं जा रही होती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं क्लेजोना का ही बताऊंगी, क्योंकि मैं क्लेजोना की बहुत बेस्ट यूजर हूँ। और ये आपको बता दूं कि एक ग्लॉस आप लेने जाते हैं या एक लिपस्टिक लेने जाते हैं, आप क्लेजोना की लेने जाएंगे तो 101% आप 4-5 ग्लॉसेस ले सकते हैं उतनी ही प्राइस में जितने प्राइस में आप किसी एक ब्रांड की, बड़े ब्रांड की कोई लिपस्टिक परचेज करते हैं। तो इसके लिए एक तालियां होनी चाहिए क्लेजोना के लिए। अच्छा, आज शहनाज आप देखें, हमारे साथ कुछ यंग लड़के भी मौजूद हैं, और सरदार साहब का कहना था कि सादिया बाजी आज जो है मेरा गेम भी बनता है, तो हम सरदार को भी बुलाएंगे और दो और लड़कों को बुलाएंगे, इनसे गेम करवाएंगे, आप लोगों की भरपूर तालियों के साथ। सरदार आपकी ख्वाहिश हमने पूरी कर दी। हाँ सरदार, आप बताएं कुछ अपने बारे में, और आप क्या क्या करते हैं, एक्टिंग शेक्टिंग, टिकटॉक विकटॉक बनाते हैं? बस सिर्फ टिकटॉक वगैरह बनाते हैं। टिकटॉक बनाते हैं भाई, तालियां होनी चाहिए सरदार के लिए। अच्छा जी, आप अपना नाम बताइए, बताइए क्या करते हैं आप? मेरा नाम अहमद खान है और मैं आईटी कंसल्टेंट हूं। वेरी गुड। और आप? मेरा नाम है उबैद खान और मैं पुलिस विभाग में काम करता हूं। वेरी गुड। अच्छा, आज हमारे साथ सारे खान मौजूद हैं, और लेकिन इनसे भी गेम होगा, और बहुत जबरदस्त सा गेम इनका वेट कर रहा है, और बहुत प्यारा सा गिफ्ट हैंपर ये जीत कर जा सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, लेकिन इससे पहले लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ब्रेक पे जाने से पहले कि हमारे साथ मौजूद हैं तीन जवान जो आज एक गेम खेलने जा रहे हैं, और बड़ा जबरदस्त सा गेम है जिसमें हम बॉटल्स भी इन्हीं से खुलवाएंगे और बॉटल इन्हीं को पिलाएंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले विन करता है एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर। स्टार्ट करते हैं अपना गेम। जी सरदार, शुमाइला पास करें बॉटल्स। अरे वाह, ओके म्यूजिक होना चाहिए, काउंटिंग आप सब हमारे साथ करेंगे। जी स्टार्ट। 1, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 1, you won, सरदार। सरदार साहब जो है वो विन कर चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट है, अपनी शर्ट भी खराब कर चुके हैं, लेकिन अपनी बेगम से दिलवा देंगे, ये आपको बता दूं टिकटॉक पे इन पे मच जाएगा, इनकी एक अदद बेगम भी है और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, तो सरदार के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। थैंक्स लेंगे आप लोगों ने ज्वाइन किया। सरदार को शुमाला गिफ्ट हैम्पर दे दे, बैडीज का गिफ्ट हैम्पर, तलेशान कुछ बताएंगी बैडीज के बारे में भी, और तलेशान आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे, आपका हम करेंगे थैंक्स। जी तलेशान के बारे में मैं यही बताऊंगी कि मेरा बड़ा फेवरेट ब्रांड है ये, हर तरह के बेड कवर्स कैजुअल से लेकर और ब्राइडल से लेकर हर चीज ये बनाते हैं, और बड़े रीजनेबल प्राइस भी है। उसके अलावा
जो इनका ब्राइडल सेक्शन है वो इतना यूनिक है कि बिल्कुल ऐसा जैसे हम ब्राइड्स के लिए जब किसी डिज़ाइनर के पास जाते हैं तो ब्राइडल बेड कवर्स और बेडरूम सेट्स के लिए हम फिर इनके पास आते हैं। थैंक यू सो मच सरदार भाई। सरदार भाई हमारे वॉलंटियर भी हैं, माशाल्लाह से आज जीत कर गए हैं गिफ्ट हैम्पर। मज़ा आता है इस तरह सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स में और हमारे साथ ज्वाइन करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे गेम्स होते हैं। आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं, पास के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा वहाँ पर, और फिर उसके बाद हमारे ऑडियंस का हिस्सा बन सकते हैं। आप तलत शान की तरफ चलते हैं, हम दोबारा से तलत शान को थोड़ी सी जो है तकलीफ दे रहे हैं बार बार। अच्छा तलत शान, आज तो आपने कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा पहना है और जो स्कार्फ है उसमें तो मेरा दिल आ गया। एक एक प्रोग्राम में तो मैं आपकी तरह ड्रेसिंग करके आऊंगी, तलत शान से लेकर आएंगे ड्रेसिंग। तालियां सही तरह शान के लिए जरूर। अच्छा तलत शान का ये स्कार्फ वाला स्टाइल तो बहुत ही खूबसूरत है, जैसे हमारी दुआ का था। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है हमारी मॉडल जारा, जिनको हम बुलाएंगे और इनकी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट डन हो चुकी है जिसका रिजल्ट तो बनता है जी। तलत शान, ज़ारा के बालों में जो आपने देखा था बड़ी थिननेस थी और बेचारी ने बहुत ज़्यादा कुछ इसमें अप्लाई किया हुआ था। अब ये है कि ज़ारा ने अगर इसको आफ्टर 10 डेज सेटिंग ले ली और मंथ में 3 सेटिंग्स ले ली, ज़ारा को वाज़े फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा अभी हम ज़ारा से भी पूछेंगे ज़ारा को कैसा लग रहा है। जी ज़ारा, बस मैं ये बोलूँगी कि पहले जब मैंने अपने बाल कर्ल किए थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो उसके ऊपर एक हैवी लुक आ रहा था, लेकिन अब धुलने के बाद ही इतने स्मूथ लग रहे हैं बाल, कैसा लग रहा है अब हुआ हुआ है ट्रीटमेंट के बाद। Exactly. आई एम इन लव विद दिस ट्रीटमेंट और मैं जरूर लूँगी और तलत शान के पास ही आकर लूँगी। थैंक यू सो मच। And this credit goes to Cure Pakistan. This is their wonderful treatment as they have 9 treatments for different problems and these are wonderful. So aaj humne unme se ek karke inko dikhaya tha jo ki mix and match tha Care Range aur So Pure ke saath mix karke banaya tha, kyunki jab baad mein humne inki consultation ki to uspe kuch additional problems nikli. ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ज़ारा। अच्छा तो अब हम आपसे और मजे मजे की बातें करते हैं। इनकी एप्लीकेशन हो चुकी है, इनकी एप्लीकेशन हो चुकी है और आज मैं अपनी तमाम ऑडियंस के लिए, पहले तो हम विनर्स को दिया करते थे 20% ऑफ का ब्रशेस और ये तमाम चीज़ें, लेकिन आज मैं अपनी तमाम ऑडियंस के लिए ये लेकर आई हूँ। हर आदमी अपने साथ अपने घर लेके जाएगा 20% ऑफ especially for this special show. Thank you so much. Shubhala, distribute कर रहे हैं आप audience में। अच्छा audience के लिए ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए भी है। viewers, अगर आप लोग contact करेंगे तलत शान से, हमारे शो के passes अगर आपके पास available होंगे और आप तलत शान के पास जाएंगे तो तलत शान आपको भी 20% off देंगी। अच्छा अब हम कुछ चलते हैं खालदा की तरफ और देखते हैं कि बड़े खूबसूरत से। अच्छा खालदा, ये जो आप कलर लगा रही है बहुत प्यारा सा लग रहा है, ये कौन सा आपने इनका आई शेड या कौन सी ऐसी प्रोडक्ट यूज़ की है? यूज़ किया है क्लाइजोना का जो है इंटरफेरेंस है इनके, ये ना तो डिफरेंट शेड्स में ये तो ये आई को मतलब इन्हेंस कर देते हैं बिल्कुल ना। आप सॉफ्ट सा लुक देना चाह रहे हैं तो बहुत मैंने शार्प कलर या मैचिंग कलर नहीं उठाए, मैंने एक बहुत ग्लिटरी सा एक सॉफ्ट सा कलर उठाया है और मैं इनके कॉर्नर हल्के से डार्क करूंगी बट थोड़ा सा इनर आई में कलर दूंगी और बस इनर बेस मतलब, तो आपने नहीं करी अभी बेस मैंने डन नहीं करी, मैं पहले आई पे काम करती हूं। अच्छा, तो आप भी फर्स्ट आईज पे करेंगे। आज हमारे साथ जो दो ब्यूटीशियंस हैं वो दोनों जो हैं वो आईज पर करेंगे देन फाउंडेशन और बेस अप्लाई करेंगे, तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। आप लोग भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्लाइजोना का प्रोडक्ट रख सकते हैं, इसके अलावा क्यूने पाकिस्तान का भी रख सकते हैं। अच्छा हमारे पास ऑडियंस में भी बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं जिनको मैं बुलाना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि वो आए और नेल पेंट लगाए, तो अब हम देखते हैं कि कौन आना चाह रहा है नेल पेंट लगाने के लिए, कौन आना चाह रहा है हैंड्स अप करें। आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, ग्लासेस वाली बच्ची, और जो लगवाना चाह रहा है वो भी इधर आ जाए। तीन है यहाँ पर मौजूद, जो लगवाना चाह रहा है वो तीन भी आ जाए। आप बैठ जाओ छोटे बच्चे, पार्टी बच्चों को बड़ा होता है, हम हर गेम में आ जाए चाहे बड़ों की हो या छोटों की हो। आ जाओ भाई, अच्छा इस साइड आ जाए, आप इस साइड आ जाए। सरदार भाई कहाँ हैं आप, सेटिंग करने आ जाएं प्लीज, यहाँ पर आप सेटिंग करें ताकि ये सब बैठ जाए। नेल पेंट लगा रहे हैं।
अच्छा ये सब चलता रहेगा, बातें होती रहेंगी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज भी देते रहेंगे, बहुत सारे गेम्स भी होते रहेंगे और ऑडियंस से सवालात भी होंगे। आप सब भी अपने सवालात कर सकते हैं, तलत शान का कॉन्टैक्ट नंबर शो रहा होगा, उनसे आप प्राइवेटली भी अपने सारे प्रॉब्लम्स हेयर्स के शेयर कर सकते हैं और उनसे आइडियाज ले सकते हैं, मजे मजे के ट्रीटमेंट्स भी करवा सकते हैं। क्लैजोना में शहनाज हमारे साथ होती हैं, शहनाज से भी आप बात कर सकते हैं और स्किन के हवाले से बहुत सारी चीजें उनसे पूछ सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं और प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अपने घर बैठे बैठे आप अपने आप को पूरा मेकअप आर्टिस्ट बना लेंगे ये शो देख देख के। हमारे साथ बहुत प्यारी प्यारी ब्यूटीशियन भी मौजूद हैं, अभी हम थोड़ा सा खालदा की तरफ भी चलते और इनसे भी पूछते कि इनका और क्या क्या इन्होंने यूज किया है। जी जी सादिया, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था मैंने इनका फर्स्ट लिप प्राइम किया है, आप देख रहे हैं इनकी नोज वगैरह बहुत ऑयली हो रही है, तो इनको वाइप करके फिर मैंने इनको प्राइम किया। प्राइम करने के बाद मैंने थोड़ा सा इनकी आईज पे कंसीलर दिया, बहुत डार्क सर्कल हो रहे थे, थोड़ा कंसील किया, कंसील मैंने ऑरेंज ऑर्गेंजा उठाया इनका, उससे मैंने अभी कंसील किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इनका लूज पाउडर जो होता है फिनिशिंग पाउडर उससे थोड़ा सा टैपिंग करके थोड़ा आईज के नीचे उसे कर दिया ताकि जब कोई डस्ट आउट हो तो हम इजिली उसको रिमूव कर सकें। तो बस मैं इनके आपको मैं पहले ही बता चुकी थी कि मैं इनके ज्यादा कलर्स नहीं दूंगी, ज्यादा कलर्स नहीं होंगे, बहुत सॉफ्ट का लुक होगा, थोड़ा सा बस मैं हल्का सा बस इतना इनर ब्लैक दूंगी, बाकी मैंने सब कॉर्नर्स जो है वो ब्लैक क्यों की जाते हैं, आईज को बड़ा करने के लिए, आईज को प्रोमिनेंट करने के लिए और थोड़ा उससे एक लुक आता है मतलब ब्राइट का ना थोड़ा। अच्छा लाजम हम हैवी मेकअप कर रहे होते हैं, जी जी भले हम कह रहे होते हैं कि नो मेकअप लेकिन हमें कुछ ना कुछ चेंज करना होता है, पार्टी मेकअप और ब्राइडल मेकअप इज टू डिफरेंट, ठीक है, तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा हैवी हमें बनाना पड़ता है, लेकिन ये कि कलर मैंने कम यूज किए, तो अब ये कि अब इनके आईज बन रही है, उसके बाद देन तकरीबन कंप्लीट है आईज, लैशेस में लगा चुकी हूँ। आप अपना काम कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह फिर आते हैं आपकी तरफ, हमारे पास ये बच्चियां मौजूद हैं जो नेल पेंट लगाएंगी और देखते हैं नेल पेंट शनाज देंगी, डार्क कलर की दीजिएगा ताकि पता चले कौन कैसे लगा लेता है। आ जाए जो लगा रहा है वो खड़ा रहेगा और जो लगवा रहा है वो बैठ जाएगा, कौन कौन लगवा रहा है? अच्छा एक मॉडल और चाहिए जो लगवा ले नेल पेंट, कौन लगवाएगा? पिंक शर्ट आ जाए आप लगवा ले नेल पेंट इनसे, आप इधर आ जाए। अच्छा आप अपनी एक मॉडल ले लें, इनको लगाएंगी आप, उनको लगाएंगी आप, किनको लगाएंगी? इनको लगाएंगी। अच्छा आप आ जाए, टहलती भी आ रही हैं बड़े मजे से, गार्डन में वॉक कर रही हैं। अच्छा जी इस तरह हो जाए आप, इस तरफ आ जाए मेरी तरफ जी। ओके अब स्टार्ट करेंगे, आप भी इस साइड आ जाए, आप फेस इस साइड करें, एक तो हमारी सेटिंग्स जो है ना जी। ओके म्यूजिक हो जाए, स्टार्ट कर देते हैं, हमारा गेम स्टार्ट होना चाहिए, क्लैपिंग होनी चाहिए आप लोगों की। क्या रह गई आपकी, वन फिंगर रह गई और आपका तो एक ही हाथ, अल्लाह आपकी भी एक ही रह गई है। अच्छा शहनाज आप बताएं इन्होंने विन किया है या उन्होंने विन किया है, चेक करें कौन है हमारे विनर, शहनाज बताएंगी। हाँ इनका अभी कंप्लीट नहीं हो सका, सबसे अच्छा इन्होंने लगाया है, बिल्कुल तालियां होनी चाहिए इनके लिए, नीटनेस से लगाया है। अच्छा थैंक यू, आप लोगों का थैंक्स करेंगे और इनको गिफ्ट हैम्पर देंगे, लेकिन एक काम करते हैं क्यों शहनाज, सबको गिफ्ट हैम्पर दे दिए जाए। हाँ सारी प्यारी प्यारी सी बच्चियां हमारे साथ मौजूद है और हम इन सबको जो है वो गिफ्ट हैम्पर देते हैं, शहनाज गिफ्ट हैम्पर ले आए, आप सब बैठ जाए, जिन्होंने लगवाए हैं आप लोगों का थैंक्स और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस गेम में उनका गिफ्ट तो बनता है, ये भी देते और दो वो वाले देते हैं। ये लीजिए, थैंक यू सो मच शहनाज, ये भी दे दो, थैंक यू सो मच, क्लैपिंग होनी चाहिए इन लोगों के लिए।
बड़ा मजा आता है जब सब पार्टिसिपेट करते हैं, गेम हो रहे होते हैं, और जहाँ पर मेकअप की बात हो रही होती है, खूबसूरती की बात हो रही होती है, वहां पर हेयर्स की भी बात हो रही होती है। अच्छा व्यूअर्स, आप लोगों से एक बात करना चाहूंगी, जहाँ आप अपना मेकअप अच्छा करवाना चाहते हैं वहाँ आपके हेयर्स भी बेस्ट होने चाहिए, आपके हेयर कलर भी अच्छे से होने चाहिए। और जो लोग डरते हैं, जो पेरेंट्स डरते हैं कि हमारी बच्चियों के कलर हो जाएंगे बाल, या वो कुछ करवा लेंगे केमिकल काम तो उनके हेयर्स जो है वो खराब हो जाएंगे, अम्मियां बहुत डरती हैं कि हमने इतनी ऑयलिंग की, इतनी मेहनत से तुम लोगों के बाल इतने बड़े बड़े किए, आप कॉलेज जाकर और तुम लोग मुझसे कहते हो कि यार हमें भी कलर करवाना है, फला लड़की ने ये कलर करवाया, फला लड़की ने वो कलर करवाया, तो उन लोगों के लिए तलाशान क्या बताएंगी? जी तलाशान, बिल्कुल सही पर, और हमने जैसा कि बताया था हमने पोनी टेल बनाया था, जी जी बिल्कुल एपेक्स पे ऊपर ले जाके क्राउन एरिया पे, उसके बाद हमने उसको नॉन पैरेलल फिंगर शेयर पोजीशन से उसको कट किया था इंक्रीज में, और फिर हमने उस किट जो टिप थी उसको हमने पकड़ के अल्ट्रा ब्लॉन्ड से कट डाउन किया। अब हमारा कट डाउन हो गया है, हम इसको ड्राई करेंगे, और अभी हमने पोनी नहीं खोली, हमने कुछ नहीं खोला है, ये पोनी बिल्कुल वैसे की वैसी ही बनी हुई है, ये देखिए ठीक है, ये हमने सिर्फ एंड पर काम किया। अब हम इसको ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद हम इससे दो कलर्स इसकी टोनिंग करेंगे। अच्छा तलाशान, बात हो रही थी उन लोगों की जो डरते हैं पेरेंट्स की हमारी बच्चियों को जो है ये काम नहीं करवाएं क्योंकि बाल खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो उनके लिए भी मैसेज दें कि क्यूने की प्रोडक्ट्स इतनी बेस्ट है कि वो इजी होके बेफिक्र होके करवा सकते हैं। इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद हैं उस लिहाज से सेफ्टी साथ साथ है, बहुत ज्यादा सेफ्टी है, और वो पेरेंट्स जो लड़कियों को मना करते हैं तो आप फिर आपके लिए जरूरी है कि आप उसके साथ उसका केयर कभी जरूर ले लें, फिर आपके बाल बिल्कुल सही। अच्छा तलाशान, जिस तरह का आपका कलर है हो सकता है हम इस पर भी वो कर सकते जी, हैं। मैं वही कर रही हूँ। ओ जबरदस्त, मुझे तो पता भी नहीं था। और तलाशान यही कलर कर रही है जो आज वो अपने हेयर्स पर भी करके आई है, अपना लुक चेंज करके आई है, और इसी तरह हमारी ऑडियंस में से भी एक बच्ची का लुक चेंज कर रही है। लुक चेंज होते रहेंगे, मेकअप की बातें होती रहेंगी, प्यारे प्यारे गेम्स होते रहेंगे, प्यारी प्यारी बच्चियां हमारे शो में आती रहेंगी, सॉन्ग्स अच्छे अच्छे होते रहेंगे, लेकिन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स एंड ऑडियंस, बहुत ही खूबसूरत से दो लोग हमारे पास मौजूद हैं और बहुत ही प्यारे से लुक्स किए हमारी मॉडल्स के, हमारी बहुत ही खूबसूरत सी बहुत ही प्यारी सी मॉडल्स यहाँ पर मौजूद हैं, मेकअप भी बहुत खूबसूरत सा हुआ हुआ है जो आपको दिखाने के लिए मैं बेताब हूँ। इसके अलावा हम थैंक्स कहेंगे हमारी दो ब्यूटिशियंस को जिनके लुक्स आप लोगों के सामने, एक वनीमा ब्राइड और एक हेलो आइज, तो हम सारा जी का भी थैंक्स कहेंगे इनकी मॉडलिंग के साथ है। आप लोगों को कैसी लग रही है? आपकी भरपूर तालियां बताएंगी हमें। वलीमा ब्राइड भी है हमारे पास, खालदा ने बहुत ही खूबसूरत सी ब्राइड रेडी की है, बहुत ही कम टाइम में इतना खूबसूरत मेकअप और इतना खूबसूरत सा सॉफ्ट सा लुक किया है, थैंक यू सो मच खालदा, इनके भी बताइए कैसा लग रहा है आपको। जी आप सब भी बेस्ट बेस्ट रिव्यूज दे सकते हैं हमें, और फ्री हैं आफरीन, आफरीन है उन ब्यूटिशियंस को जो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही खूबसूरत से मेकअप्स और लुक्स कर देती हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को खूबसूरत से खूबसूरत बना देती हैं, और आपके इवेंट को और भी खूबसूरत बना देती हैं, और आप बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, और माशाल्लाह बहुत प्यारे लुक्स हैं। मैं थैंक्स कहूंगी इन दोनों को, इन दोनों ब्यूटिशियंस को जो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत प्यारे लुक्स दिए हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, तो तालियां होनी चाहिए इन लोगों के लिए अगेन, और इनको थैंक्स कहेंगे हम। अच्छा ये तो बहुत प्यारा से मेकअप के लुक्स हो चुके हैं हमारे, हम गेस्ट को कहेंगे कि आप बैठें, और हम बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे नहीं, अब हम एक गेम प्ले करेंगे, हमारी शुमाला को बुलाएंगे, पिलो लेकर आएंगे शुमाला, और पासिंग पिलो हम गेम खिलाएंगे हमारी ऑडियंस को। गेम तो बनता है और गिफ्ट भी बनता है, लाजमी सादिया का शो है तो गिफ्ट भी बनता है और गेम भी बनता है, ताकि हमारी ऑडियंस भी खुश होकर जाए और जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो भी खुश हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे हमारा प्लो पासिंग का गेम, म्यूजिक तो बनता है, म्यूजिक होना चाहिए, स्टार्ट। अरे गिफ्ट तो देने दें, गिफ्ट तो बनता है, इन्होंने विन किया है। अच्छा इसमें था कितना कहीं सो जाते हैं। अच्छा ये नहीं, दोबारा से स्टार्ट करेंगे, और इस बच्ची को बहुत प्यारे से हम गिफ्ट हैंपर देंगे, शहनाज की तरफ से तालियां होनी चाहिए इस बच्ची के लिए, इन्होंने भी गिवन किया है क्लेजोना का कॉस्मेटिक्स मेकअप, बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप, इसको ट्राई करेगा और जरूर यूज करेगा, थैंक यू सो मच बेटा। आप करेंगे नेक्स्ट, आप इधर ही आ जाए मेरे पास, अगर दोबारा जीत गई तो क्या करेंगे, इधर आ जाए, दोबारा से स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें म्यूजिक। Thank you.
प्यारी सी बच्ची जो है हमारे पास मौजूद है और सब ने पिंकी पिंकी किया हुआ है, पता तो नहीं था आज शादी भी पिंक पिंक सा कुछ ग्रीन पिंक सा पहनने वाली है। हाँ क्या करती हैं आप, क्या नाम है आपका? क्या करती हैं आप? स्टडी वो तो सब करती हैं। फर्स्ट ईयर में आप? अच्छा कुछ सुनाना चाहेंगी, कोई शेर कोई लतीफा? शेर हाथी वाला नहीं आप? अच्छा कोई शेर सुना दें अच्छा सा, और या कुछ भी सुनाना चाहती हूँ, क्या सुनाना चाहेंगी? शाह सवार ही गिरते हैं मदानी जंग में, लतीफा ही क्या जो घुटनों के बल चले। वाह वाह वो अलग बात है, समझ नहीं आया, तालियां बजाएं, लेकिन आ गया होगा आप सब लोगों को समझ। गिफ्ट तो बनता है। थैंक यू सो मच बच्चियों, बहुत प्यारी प्यारी बच्ची हैं, थोड़ा सा इनको तंग कर लेती हूँ, अगर जिसको बुरा लग जाए तो घर जाके या फिर नीचे जाके बिरयानी खा लेना, ठीक है? अच्छा व्यूअर्स एंड ऑडियंस, बहुत ही प्यारे से मेकअप्स के लुक्स भी हो गए, गेम्स भी हो गए, अब जो मैं चाह रही थी जिसमें मेरा दिल और जान और आंखें अटकी हुई है वो है तलश शान का हेयर कलर, जिसके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए, इसका रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। जी तलश शान आ जाए, शुमाला ये ले आए चेयर बेटा। अच्छा जवेरिया जो है ना हमारी बहुत जल्दी थक जाती है, रेस्ट कर देते हैं। अच्छा शाजी हमने आपको बताया था कि आज जो हम करने जा रहे हैं वो वन गो है, वन गो तलाशान। शादिया मत कहो ना, शादिया शादिया जी तलाशान। अच्छा आप इतने नामों में मिस्टेक कर जाते हो आज में। अच्छा तो ये हुआ है कि आज शादिया को शादिया कहा जाए ताकि उनको फिर सबके नाम याद रहे। कैसा फील होता है, कैसा फील होता है। तो हमने वन गो में इनका कट किया था, इनकी पोनीटेल अब तक बनी हुई हाई पोनी करके हमने कट किया था। जी बिल्कुल। कट करने के बाद हमने जो इनके टिप्स थे उसको हमने डीकलराइज किया था, यानी कट डाउन किया था, उसके बाद उसको सिंपल रिंस कराया, शैम्पू किया, उसके बाद हमने दो कलर्स चूज किए और दो कलर्स को हमने अल्टरनेट डाई किया, बालों को चार हिस्सों में डिवाइड किया और उसको अल्टरनेट कलर किया, एक ब्लॉन्ड एक रेड, एक ब्लॉन्ड और एक रेड, जैसा कि मैं चाह रही थी, ठीक है? आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? और बालों को बिल्कुल नहीं खोला गया है, वही ड्राई किया है, वही सब कुछ वही हुआ है। और अब मैं बालों को खोलती हूँ, अल्लाह से दुआ है, देखे क्या होता है। एक डब्बे में डब्बा, डब्बे में क्या वो हो गया है, डब्बे में क्या। मुझे तो बहुत खूब, मैं बड़ी सनसनी खेज हालात हुए हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जबरदस्त। हाँ भाई तो कैसा लग रहा है ऑडियंस आप लोगों को? वाओ ये आप देख सकते हैं विदाउट ब्लो ड्राई, विदाउट आयरन कर्ल्स, कुछ भी नहीं किया हुआ, और आप देख सकते हैं कि कलर कितना सेटल्ड आया है और कट आप देख सकते हैं कि कट कितना खूबसूरत आया, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें ये है कि आपको ब्लो ड्राई कराने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने ये टेक्निक यूज करी कि आप अपने नम बालों को 100% ड्राई ना करें, 90% ड्राई करें, हाई पोनी करके उसको अच्छी तरह से राउंड में ग्रैब कर ले और उसका जूड़ा बना ले, पिन कर ले, तैयार हो जाए, जाते वक्त सिर्फ आपने अपनी दो पिन निकाल ली है और बालों को यू करना है, फिर आपको लगेगा जैसे आप ब्लो ड्राई करवा कर आई। जबरदस्त, फिर से एक दफा क्लैपिंग बनती है और उम्मीद है हमारी ऑडियंस से लेके हमारे व्यूअर्स तक को ये कलर बहुत पसंद आए होंगे, बहुत ही खूबसूरत टेक्निक, बहुत इजी सी टेक्निक और बहुत ही प्यारे से टू शेड्स तलश शान ने किए हैं, जिस पे क्लैपिंग तो बनती है। वन गो कट विद अ वन गो कलरिंग हेयर डिजाइन और पर्सनैलिटी पूरी चेंज, टोटली चेंज हो गई, बहुत प्यारी सी बच्ची हो गई हमारी और थोड़ी सी स्टाइलिश हो गई हैं, स्टाइलिश बच्ची हो गई हैं। जी क्या नाम है आपका? परिया। परिया क्या करती हैं आप? पढ़ती वो तो सब पढ़ते हैं, पार्लर में जॉब करती हैं, जॉब भी करती हैं और पार्लर में होती हैं। वाह अब तो आपसे सब कहेंगे कि ना ये कलर हमें भी करके दे, फिर आपको ये भी करके देना पड़ेगा। जबरदस्त, बहुत प्यारी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है जो पढ़ती भी है और पार्लर में जॉब भी करती है ताकि वो आगे जाके अपना सलून रन कर सके, हमारी इनके लिए नेक दुआएं हैं। बहुत प्यारी लग रही है आप, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कलर लग रहा है। अच्छा आपको कैसा लग रहा है ये बताएं? बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, स्टाइल चेंज हो गया, आपकी लेंथ तो कम नहीं हुई? तो इनके कर्ल्स खत्म हो जाएंगे जो हमने बनाए थे। आपकी लेंथ तो कम नहीं हुई? कट से कोई शिकायत तो नहीं आपको?
खुश है ना आप? देखें लाइव आपको बताते हैं, खुश होके यहाँ पर ऑडियंस भी जाती है और आप लोगों के काम बिल्कुल फ्री में होते हैं। हम ऑडियंस में से ही हमारी मॉडल्स को सेलेक्ट करते हैं और तलशान उन पे काम करती हैं। आप भी ये मौका ले सकते हैं, हमारे शो में आ सकते हैं, हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत आवाज में हमेशा की तरह एक खूबसूरत से सिंगर मौजूद है और रियाज असलम के लिए आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। रियाज असलम भाई एक सेकंड मुझे और चाहिएगा आपसे। बिल्कुल जी जी बोलें। आप इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाते हैं माशाल्लाह से। जी जी बहुत अच्छे अच्छे, तो मैं चाहूंगी आप हमारे हर शो में आए, क्या कहते हैं आप? इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। और मेरी फरमाइश पर आज आप क्या सुना रहे? ये आपकी फरमाइश पे पंजाबी सॉन्ग का मैशअप सुनाता हूँ। पंजाबी सॉन्ग का मैशअप सुना रहे हैं आप लोगों की भरपूर तालियों में। अच्छा इससे पहले हम अलविदा लेंगे, हमारे शो का इख्तिताम हो चुका है इनकी खूबसूरत आवाज में, इनके खूबसूरत सॉन्ग के साथ। मैं सब ब्रांड्स का थैंक्स कहूंगी, क्लेजोना का, क्यूने पाकिस्तान का, आईलेस ब्रांड का जिसका ड्रेस मैंने आज वेयर किया है, इसके अलावा जितने ब्रांड्स ने हमें गिफ्ट हैंपर्स दिए लाइक बैडीज और लेसअप और बहुत सारे ब्रांड्स ने हमें गिफ्ट हैंपर्स दिए, हमारे शो को और मजीद खूबसूरत बनाया, उनका मैं थैंक्स कहूंगी। और अब हम चलते हैं इनके सॉन्ग्स की तरफ। अल्लाह हाफिज। माड़ा है ते माड़ा सैयार जो है, कुछ भी हो में ओ साड़ा प्यार जो है, क्यों बोले माड़ा सैयार जो है, कुछ भी हो में ओ साड़ा प्यार जो है, माड़ा है ते माड़ा सैयार जो है, कुछ भी हो में ओ साड़ा प्यार जो है, क्यों डोलेता क्यों भाईता क्यों अगर हम ते लखवारी बिस्मिल्ला करा ओ बिस्मिल्ला करा, माड़ा सही यार जो है। सच चुन के यार बनाए शोभादा, खबर केड़ा मुल लग गई नंदोकादा, साडा तो माही सरदार जो है, कुछ भी होवे हो साडा प्यार जो है, क्यों बोलेता क्यों मायेता लग रहा लखबारे बिस्मिल्ला करा, कमीज तेरी काली नी सोने फुलावाली, कमीज तेरी काली नी सोने फुलावाली, भावे वसे तू वलैद असा करनी नहीं रैत, भावे वसे तू वलैद असा करनी नहीं रैत, तैनू लैके जाना है मियां वाले, कमीज तेरी सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा, निखाबा विच आन वालिए, निखाबा विच आन वालिए, निखाबा विच आन वालिए, निखाबा विच आन वालिए, ए थेवा मुजरी दा थेवा।